हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ, वो उसका सातवां भाग है, ठीक है। और इन सभी ट्रेडों के लिए है, वायरमैन से लेकर इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, एयर कंडीशनिंग, ये सारे ट्रेड का आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। और चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तापमान बढ़ने से पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य पर क्या असर पड़ती है, ठीक। तो तापमान बढ़ने से पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इसका ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है स्थिर रहती है, ऑप्शन सी घटती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाती है। तो तापमान बढ़ाएंगे तब डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य आपकी घट जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर प्लेट की तीली फिटिंग के कारण इसके श्रेणी समतुल्य प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ेगा, या फिर ऑप्शन बी कम हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक बढ़ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 माइक्रोफेरेड और 16 माइक्रोफेरेड तथा 32 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के तीन कैपेसिटरों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो श्रेणी में प्रतिरोध का तो आप जानते हैं, R1+R2+R3 हो जाएगा, लेकिन इसका कैपेसिटर का क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1+ 1/C2+ 1/C3 है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32/7 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, इसका ऑप्शन है, इसका क्वेश्चन फिर से देखते हैं, एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है फेज को विभक्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो व्यवधान कम करने में, ऑप्शन नंबर सी क्षति कम करने में, ऑप्शन डी धारा कम करने में। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक फेज एसी मोटर में कंडेंसर के लिए फेज को विभक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कंडेंसर का प्रयोग फेज को विभक्त करने के लिए, मतलब फेज जो है से एक फेज और दो फेज में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व तो रहता है, एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व तो रहता है, कब तक रहता है, जब चुंबकत्वीय बल हटा लिया जाता है तब, या फिर ऑप्शन नंबर बी जब चुंबकत्वीय बल नहीं हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जब चुंबकत्वीय बल स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जब चुंबकत्वीय बल हटा दिया जाता है, ठीक है, नहीं घटा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद सही आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब चुंबकत्वी बल हटा दिया जाता है तब भी आपका स्थायी चुंबक में चुंबकत्व तो बना रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिरे के नियम से, ऑप्शन बी है दाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन सी है बाएं हाथ का अंगूठा के नियम से, बाएं हाथ का नियम से, और ऑप्शन नंबर डी है इसका अंगूठा का नियम से। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, यहाँ यदि धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। यदि धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो इसकी ध्रुवता क्या होगी, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसका ऑप्शन ए है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी है कोई ध्रुवता नहीं होगी, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव, और ऑप्शन डी है दोनों ध्रुवता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि यदि धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता दक्षिण ध्रुव की ओर होगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये जो नियम है प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करता है, का खोज किसने किया था। तो ये नियम बताना है कि ये नियम किसने दिया है। तो
इस नियम को बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी लेंज और ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी लियोनार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेंज, क्योंकि लेंज का नियम यह था कि यह जिससे उत्पन्न होता है यह उसी का विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ होता है, क्या होता है? फेराइट का बना होता है, या फिर निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ का बना होता है, या फिर उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ का, या ऑप्शन नंबर डी है पदार्थ जो कि क्षति और इंडक्टेंस दोनों का कम करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लौह कोर पदार्थ फेराइट का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय रिंग का रिलक्टेंस वह 1 दशमलव इतना मतलब कि दिया हुआ है। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है, दिया हुआ है। ठीक, क्वाइल को इतना वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितना चुंबकत्व वाहक बल की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1000 एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है 134 एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है 1350 एम्पियर टर्न और ऑप्शन नंबर डी है 13.4 एम्पियर टर्न। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी विद्युत चुंबक का चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है, जब किसी विद्युत चुंबक का परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कांटेक्ट पर स्पार्किंग होगी। तो क्योंकि परिपथ का क्या परिपथ में मतलब कि क्या रहेगा, क्या उच्च होगा, तब ये चीज़ होगा स्विच कांटेक्ट पर स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी है इंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थंभ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडक्टेंस मतलब कि प्रेरकत्व तो अधिक होगा, प्रेरकत्व तो उच्च होगा, तो यहाँ पर स्विच का कांटेक्ट पर स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा का डीसी कहा जाता है जब, तो धारा को डीसी कब कहा जाता है? जब ऑप्शन, इसका ऑप्शन है धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, ऑप्शन बी धारा की माप समय के साथ बदलती है, ऑप्शन सी धारा की माप व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक, ऑप्शन डी माप समय के साथ समान ही रहता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका जो माप होता है, परिमाण होता है, वो समय के साथ समान होता है, तो इसे धारा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एसी जनरेटर जब 1500 आरपीएम पर चलता है तो 50 साइकिल पर सेकंड पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है? ठीक है, तो जनरेटर के कितने ध्रुव होंगे? तो यहाँ पर जनरेटर का पोल आपको बताना है कि कितना इसका पोल हो जाएगा। तो ये सिंपली फार्मूला है, मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था इसका आपको फार्मूला, इसका कैसे काम करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको n बराबर 120 f अपान पी फार्मूला जो होगा उससे आप निकाल सकते हैं पोल की संख्या मतलब कि ध्रुव की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही होगा, ऑप्शन मतलब कि 4 ध्रुव होगा पोल। ठीक है, सिंपली ये सूत्र आप लगाएंगे n बराबर, ठीक है, n बराबर 120 हो जाएगा, 120 f हो जाएगा और इसके बट्टे में p हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही काम का फार्मूला है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो, ठीक है, तो चक्र मतलब कि स्लिप का अधिकतम मान अगर ज्ञात हो तो औसत मान किससे ज्ञात किया जा सकता है? इसका फार्मूला बताना है कि किससे औसत मान निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 0.707 इंटू ई मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी है 0.606 ई मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी है 0.707 तात्कालिक क्षण और ऑप्शन नंबर डी है 0.606 तात्कालिक मान। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.606 ई मैक्सिमम से औसत मान ज्ञात किया जाएगा। और कब ज्ञात किया जाएगा इस फॉर्मूले से? जब ये चक्र का मान अधिकतम होगा तब। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल के 4 समीकरण दिए गए हैं,
इसका चार समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा समीकरण सही है यहाँ पर ये बताना है। तो इसका सही समीकरण होगा E4 बराबर 100 माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए ये है, E बराबर 200 साइन 314 टी की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी। तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है ये। तो यहाँ पर ई मैक्सिमम का मान आपका दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है, और प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 20 ओम। तो यहाँ डायरेक्ट आप फार्मूला से निकाल देंगे, करंट बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, तो उस फार्मूला से ई एम अपॉन आर करके 200/20 करके आप निकाल लेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0.6 शक्ति गुणांक पक्षगामी पर एक एसी परिपथ की इनपुट पावर जो है वो 10 KVA है, तो परिपथ द्वारा ली गई शक्ति किलोवाट में क्या होगी। तो किलोवाट में यहाँ पर बताना है शक्ति क्या होगा, तो 0.6 × 10 KVA कर देंगे तो वो किलोवाट में आपका आंसर आ जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट डीसी सप्लाई से जुड़ी क्वाइल द्वारा ली गई धारा एसी सप्लाई से जुड़ी क्वाइल की तुलना में क्या होती है। ठीक है, जब 100 वोल्ट हम डीसी सप्लाई से जुड़ी क्वाइल से धारा लेते हैं तो एसी सप्लाई से उतना ही वोल्ट ली गई क्वाइल से ली गई धारा के तुलना में कितना धारा होगी। ठीक है, अधिक होगी या कम होगी ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक होगी। एसी सप्लाई से जुड़ी क्वाइल की तुलना में डीसी सप्लाई की जो धारा है वो अधिक होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली क्वाइल 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है। ठीक, और क्वाइल का शक्ति गुणांक होगा कितना, होगा क्वाइल का शक्ति गुणांक, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो क्वाइल का शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इकाई, ऑप्शन बी है 0.6, ऑप्शन सी है 0.8 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 0.8 हो जाएगा इसका शक्ति गुणांक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शाखा का ससेप्टेंस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका ऑप्शन है 1/x के द्वारा, ऑप्शन बी x/z2, ऑप्शन सी x4/z2 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो xc/z2। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये x/z2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखिए जितने भी जेड के नीचे टू बगल में लगा हुआ है टू, वो सब स्क्वायर है और एक्स के बगल वाला वो स्क्वायर है। ठीक है, फोर है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसे, तो इसका शाखा का ससेप्टेंट किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो x/z2 के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बी बोल्ट पर दो कैपेसिटर C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति गुणांक कितना होगा। ऑप्शन ए है इसका उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर का समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका शक्ति गुणांक 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 10 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा 5 ओम का कैपेसिटिव रिएक्टेंस 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 16 एम्पियर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 एम्पियर। ये सिंपली फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन समांतर प्रचालन क्या होगा। तो सरल होता है या फिर ऑप्शन नंबर बी मुश्किल होता है, ऑप्शन नंबर सी समान होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल होता है, मतलब सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर का तुल्यकालन सरल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा,
और नीचे फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का, तो वहाँ से आप लोग मेरे पेज को, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के पेज को लाइक कर करिए और ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में तीन फेज संचारण में तांबा क्षति होती है। तो समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में तीन फेज संचारण में तांबा की क्षति होती है, तो कॉपर लॉस कितना, किसमें अधिक होता है, यहाँ पर ये बताना है। तीन फेज में अधिक होता है या फिर सिंगल फेज में अधिक होता है कॉपर लॉस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है समान होता है, ऑप्शन नंबर बी है अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है कम होता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल फेज संचारण की तुलना में थ्री फेज संचारण में तांबा की क्षति कम होती है, मतलब थ्री फेज वाले में कम होता है कॉपर लॉस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन के लिए बाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं, तो किस तरह से बाइंडिंग के टर्मिनल को जोड़े जाते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी बाइंडिंग के पहले सिरे से, या फिर एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे बाइंडिंग के अंतिम सिरे से, या ऑप्शन नंबर सी है एक बाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी बाइंडिंग के पहले सिरे से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी बाइंडिंग के अंतिम सिरे से। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका सही जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी बाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ी होती है। तो डेल्टा कनेक्शन यही होता है, डेल्टा कनेक्शन इस तरह से आपका त्रिभुज के आकार में होगा, तो पहला का अंतिम सिरा और दूसरा का पहला सिरा से ये देखिए जुड़ते हुए यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज का टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है, और इस तरह से आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।